हेलो नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर को हम डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पेज का जो बड़ा आर्टिकल ये दिया गया है, इस आर्टिकल में प्रणव मुखर्जी के बारे में बताया गया है कि जो आरएस की मीटिंग वगैरह हुई थी उसके बारे में। तो कुछ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जो हम एग्जाम में यूज कर सकें, तो इसे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बड़ा आर्टिकल है सेकेंड वाला, यह है सुजात बुखारी जो कि कश्मीर में एक जर्नलिस्ट थे और उनकी भी हत्या वो कर दी गई थी। तो उसी इश्यूज को लेकर यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है और उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कदम वगैरह वो उठाए थे। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया गया है साइड में, इस आर्टिकल में एक्चुअली बताया गया है कि अभी नीति आयोग का जो एक इंडेक्स जारी किया गया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में हमने प्रीलिम्स अपडेटर की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सारे डेटा वगैरह वो यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, मेक्सिको से रिलेटेड है, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है तो हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी के रोल के बारे में बताया गया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का रोल था, और ये मैंने बताया गया इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली हर मंडे को प्रकाशित होता है। इस आर्टिकल में बेसिकली ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि भाई लास्ट वीक में जो एडिटोरियल आए थे उसमें क्या क्या बताया गया था, कौन सा कैसा था, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिए, तो अब कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये है एक्चुअली सोशल मीडिया के बारे में कि भाई सोशल मीडिया का रोल कैसा है, किस तरीके से सोशल मीडिया वो लोगों को मतलब एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है, किस तरीके से सही डायरेक्शन वगैरह में जा सकती है, तो इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली रशिया में जो अभी चल रहा है फीफा, उसके बारे में बताया गया है। तो अभी तो इसमें कुछ है नहीं, बाद में जब भी कोई न्यूज आएगी एक्स्ट्रा तो हम देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाटर क्राइसिस, या आप बोल सकते हो कि इंडिया में जो सूखा वगैरह पड़ रहा है, या अभी जो नीति आयोग का एक इंडेक्स जारी किया गया था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो इस इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो आपको इससे बताया था प्रीलिम्स अपडेटर वाले वीडियो में भी कि नीति आयोग ने भी एक इंडेक्स बनाया था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में एक्चुअली ये चीज़ें सामने लाई गई हैं कि भाई इंडिया में पानी के हालात क्या है, मतलब किस तरीके से पानी यूज हो रहा है, कितने पानी की डिमांड और है, और अगर ऐसे चलता रहा तो क्या इस समस्या वगैरह आने वाली है। तो पूरा एक कंप्लीट डाटा इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा भी, इवन एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर इसको हमको अंजाम वो दिया गया है। अब देखो बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई पानी का यूज़ होता कहाँ कहाँ पे आखिर। तो देखो पानी के यूज़ को मैंने तीन हिस्सों में बांटा गया। सबसे ज़्यादा जो पानी का यूज़ होता है लगभग 80% के आसपास वो यहाँ पे होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक तो ये चीज़ आती है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर पे यूज़ होता है वो होता है इंडस्ट्री में, कि 15% जो पानी है वो होता है इंडस्ट्रीज में यूज़, और लास्ट में जो बचा हुआ 5% है वो होता है डोमेस्टिक यूज़ में, जिसमें नहाना धोने कपड़े धोने पानी पीने इत्यादि जो भी और हमारी और एक्टिविटीज़ होती हैं घरेलू कार्य, सड़क वगैरह बनाना गवर्नमेंट के लिए, इन सारे कामों में आप बोल सकते हो। तो यही हो गया यहाँ पे टोटल। तो मतलब इस तरीके से पानी का जो यूज है कंजप्शन है वो होता है। अब राइटर ये बता रहे हैं कि देखो हमारे देश में जो वाटर पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बात हमारे देश की नहीं है, सभी कंट्रीज में हो रहा है, बट ये जो डाटा है वो हमारे देश के बारे में बता रहा है कि हमारे देश में पानी की हालत क्या है। कुछ जगह तो देखो पानी है नहीं, तो वहाँ पे तो सूखा पड़ रहा है ऑब्वियसली, और कुछ जगह पे पानी है तो वो पोल्यूटेड हो चुका है, मतलब कहीं तो पानी बचा ही नहीं और कहीं पे बचा है वो भी पोल्यूटेड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों की हेल्थ को भी नुकसान पहुंच रहा है, और आपको पता है कि इससे भी स्टेट के बीच में भी आजकल डिस्प्यूट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में रिवर इंटरलिंकिंग का आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से तमिलनाडु को और कर्नाटक में कावेरी रिवर को लेकर इश्यूज वगैरह हुए थे। तो मतलब ये चीज़ सामने हो गई है कंफर्म कि भाई जो वाटर इश्यूज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और पानी का हम यूज़ है सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है। पोल्यूशन लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर नहीं है, ना ही इन्वायरमेंट के प्रति हम कोई एक्शन वगैरह ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा खुद का थोड़ी है, सभी लोग ऐसा करते तो हमारे से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसी सोच की वजह से जो इन्वायरमेंट हो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो थी थोड़ी बात। इसके बाद में जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना काफ़ी सारा योगदान है वो दिया है। और इसमें ये चीज़ बात की गई है कि देखो हेल्थ है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से लिंक एक तरीके से, अगर लोगों की हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी तो लोग ऑब्वियसली अपना काम वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी और डामाडोल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हेल्थ है वो इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, और हेल्थ को ऑब्वियसली वाटर को इफेक्ट करने वाला है। तो मतलब ऑल ओवर अगर पानी की समस्या हो रही है तो उससे इकोनॉमी भी खराब होने वाली है। और इसी के साथ जैसा हमने देखा भी कि पानी का जो मैक्सिमम यूज है ना वो तो एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर पानी एग्रीकल्चर ही ढंग से नहीं होगा तो लोगों के खाने पीने की समस्या और बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या और ज़्यादा गंभीर है वो हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पे बात की जा रही है मिहिर शाह पैनल की, कि देखो मिहिर शाह जो पैनल आया था वो आया था वाटर मैनेजमेंट को लेके, कि भाई पानी का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाए और एग्रीकल्चर में किस तरीके से रिफॉर्म लाना है। मतलब बात ये थी
कि एग्रीकल्चर में पानी का यूज ना हो इस तरीके से हो ताकि एग्रीकल्चर भी अच्छी हो जाए और पानी का यूज है वो भी लिमिटेड हो, मतलब पानी का सस्टेनेबल यूज है उसको फोकस करते हुए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मीरसा पैनल ने अपनी काफी रिकमेंडेशन वगैरह है वो गवर्नमेंट को सौंपी थी। अब थोड़ा फिर आगे बाद में बताया गया है कि देखो अभी रिसेंटली सिचुएशन क्या है, तो रिसेंटली सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि कंपोजिट जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है ना इसमें ये चीज़ सामने आई है कि कुछ स्टेट है उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है पानी को यूटिलाइज करने के लिए या पानी को कंजर्व करने के लिए आप बोल सकते हो, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कोई कमर ढंग से काम नहीं किया ना ही वो कोई ढंग से एक्शन वगैरह भी ले रहे हैं। तो अच्छे काम करने वाले स्टेट की बात करें अगर कि स्टेट की सिचुएशन कैसी है कैसे उनकी हालात हैं, तो गुजरात के हालात काफ़ी अच्छे हैं, मतलब गुजरात है वो वाटर रिसोर्सेज को लेके उनको यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर ढंग से काम वो कर रहा है और पानी का एफिशिएंटली यूज़ है उस पर भी फोकस लगातार बढ़ा रहा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश भी काफ़ी अच्छा स्टेप उठा रहा है, इवन महाराष्ट्र की भी यहाँ पे बात है वो की जा रही है। और जो सबसे बुरी हालत जो बताई जा रही है कि भाई ये जो स्टेट है इनके तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से और यहाँ पे पानी की समस्या और ज़्यादा विकट होने वाली है, जैसे कि आपको पता है बिहार हरियाणा और यूपी यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस वाले एरिया में अगर पानी का यूज़ ढंग से नहीं हो रहा है, मतलब पानी को ढंग से सस्टेनेबल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस है वो जल्दी ही आ जाएंगी। देखो वाटर क्राइसिस अगर आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इफेक्ट होगा, बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होने वाला है, इवन लोगों के खाने पीने की समस्या आ जाएंगी, लोगों के रोजगार की हर फील्ड में समस्याएं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। तो बेटर है कि हमें पानी को सही ढंग से यूज करना चाहिए। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम कहीं जाते हैं इवन चाहे आप रेलवे स्टेशन में देख सकते हो जो भी टोटी वगैरह लगी होती है उनमें पानी लीकेज होता रहता है, पानी ऐसे वेस्ट होता रहता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और जो लोगों को पता है क्या मेंटेबिलिटी होगी है कि यार पानी तो है ना, पानी का क्या कंजर्व करना है, कोई बात नहीं ठीक है चलने दो और निकाल लेंगे, मोटर चालू करके निकाल लेंगे पानी। तो यही सोच कहीं ना कहीं हमें लोगों की वो बदलनी होगी और हमें वाटर कंजर्वेशन पे फोकस वो करना होगा। देखो एक टाइम के बाद अगर पानी खत्म हो गया तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, और आज जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं ना, जिस तरीके से बारिश इनरेगुलर हो रही है, उससे ये दिन दूर नहीं है जब पानी के लिए समस्या और ज़्यादा इतनी गंभीर हो जाएगी कि लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाके पानी वो लाना होगा और वो भी काफ़ी महंगी रेट पर। इसके बाद में एक बात की जा रही है कि भाई समस्या इतनी गंभीर और क्यों हो रही है, देखो एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि बारिश वो काफ़ी इनरेगुलर हो गई है, पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, एक दूसरे स्टेट के बीच में विवाद है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में होती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने की, देखो ग्राउंड वाटर को हम एक्सप्लोर तो बहुत अच्छी मात्रा में कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड वाटर को हम बहुत जल्दी निकाल रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो चाहे पीने वगैरह के लिए हो, बट हम उसको रिचार्ज नहीं करें। जैसे बारिश के टाइम पर देखो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या चाहिए, जब बारिश हो रही है तो हम क्या करें, पानी का स्टॉक नॉर्मली ग्राउंड पे पानी का स्टॉक हो तो धीरे धीरे वो जमीन से रिश्ता हुआ अंदर जाए, बट लोग क्या करते हैं आजकल सब जगह है कंक्रीट वगैरह की सड़क वगैरह बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पक्की सड़कें हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल वर्क है ये कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रक्रिया है उसको काफ़ी धीमा कर देता है और इससे ग्राउंड वाटर है वो और लगातार खत्म होता जा रहा है। सीन क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, लोग बाहर निकाल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद खत्म ही होगा ना, तो ये समस्या कहीं और ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद में लास्ट में राइटरी कह रहे हैं देखो सॉल्यूशंस की बात, सॉल्यूशन ये है सबसे पहले एक तो हमें रिफॉर्म लाने होंगे, लोगों की सोच है वो बदलनी होगी। इसके बाद में बात आ रही है कि पानी का सस्टेनेबल यूज़ है उस पर फोकस करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो हमें इस तरीके से बनानी होंगी कि लोग पानी का सही ढंग से यूटिलाइजेशन है वो करें, सभी लोगों को पीने का पानी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो लोगों को मिल सकें। इसके बाद में बात की जा रही है एग्रीकल्चर रिफॉर्म की, देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म को आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कुछ एरिया में पानी कम है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कुछ राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं कि राजस्थान के कुछ एरिया में पानी की मतलब सप्लाई है वो काफ़ी कम होती है, तो अगर उन वाले एरियों में हम कम पानी चाहने वाली फसल का यूज़ करें, मतलब ऐसी फसल बोएं जिसको पानी की कम जरूरत हो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना ऑब्वियसली, और वहीं अगर ज़्यादा पानी वाली फसल का यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो लोगों को पानी कम मिलेगा। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने होंगे, गवर्नमेंट को इंसेंटिव वगैरह जो है वो देने होंगे ताकि लोगों को फायदा भी हो और ग्राउंड वाटर है उसको भी ढंग से यूटिलाइज हो किया जा सके। इसके बाद में बात करिए पॉलीथीन वगैरह के यूज़ से जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है उसको भी कहीं रोकना होगा, क्योंकि देखो जो पॉलीथीन है वो क्या करती है, एक तरीके से हम जो ही इनको फेंक देते हैं बाहर तो ये क्या करती है हमारी अर्थ में एक लेयर बना लेती है, हम फेंकते रहते हैं इनको, तो इससे क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि ये बीच में एक परत सी बना लेते हैं, जैसे पॉलीथीन फेंकते रहे हम तो ऐसे एक लेयर सी बन जाती है, तो ग्राउंड वाटर के नीचे नहीं जा पाता है रिस के, और तो फिर वो रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर की समस्या और ज़्यादा गंभीर है हो जाएगी। तो ये सारे इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स दिए गए थे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो जो सारे मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ब्यूरोक्रेसी के रोल के बारे में। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है, एक बुक है उसके बारे में जिक्र ज़्यादा किया गया है यहाँ पे। बुक का नाम कुछ इस प्रकार है, इंटरटून लिव्स पी एन हस्कर एंड इंदिरा गांधी। देखो ये बुक है ये लिखी गई है जयराम रमेश के द्वारा। अब आप थोड़ा इसको ध्यान देखना, यूपीएससी पूछ सकती है, देखो भरोसा नहीं है आजकल यूपीएससी के पूछने का, पैटर्न वगैरह कुछ थोड़ा ऐसे ही हो गया है।
अब आगे देखते हैं। देखो जो पीएन अक्सर है ये एक्चुअली 1967 में सेक्रेटरी थी, इंदिरा गांधी जी उसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे इनको सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया गया था। ये सारा सीन है, तो थोड़ा हमने इसको बैकग्राउंड भी देख लिया और जो कंटेक्स्ट था वो हमें समझ में आ गया। तो इनकी ये जो बुक लिखी गई है ना, इस बुक में एक्चुअली बताया गया है कि भाई किस तरीके से उन्होंने जो उस टाइम पे सिचुएशंस थी ना, उनको पीएन अक्सर है उन्होंने मतलब सोल्व किया, उनको कंट्रोल किया और उनको काफी अच्छा अपना योगदान है वो निभाया। मतलब वो एक सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी जी के, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, उन्होंने जहाँ पे कांग्रेस सही थी वहाँ पे उनका सपोर्ट किया, जहाँ पे कांग्रेस गलत थी तो वहाँ पे उनको अपोज भी किया। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि उन्होंने जो काफी एक तरीके से बोल सकते इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की बात थी, तो वहाँ पे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया, बट वहीं पर जब 1975 पर जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। तो मतलब बात ऐसी है कि उन्होंने देश के डेवलपमेंट में काफी अच्छा अपना योगदान निभाया, तो वो सारी बातें इस बुक्स में दी गई हैं। कई बार देखो यूपीएससी जो फेमस बुक्स वगैरह होती है ना उनके बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती है, तो हमें थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है। इस बुक में और बताया गया है कि 1970 का जो दशक था उसमें क्या है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन वो ठीक ठाक नहीं थी, एक तो वार वगैरह चल रहे थे आपको पता है, और उसी टाइम पे बांग्लादेश का भी साथ लड़ाई छिड़ गई थी मेनली, मतलब पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिम बांग्लादेश में लड़ाई हो गई थी और उसी दौरान बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो इंडिया को भी थोड़ी उससे काफी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे माहौल में इंडिया की सिचुएशन तो पहले ठीक नहीं थी और जो बैंकिंग रिफॉर्म थे वो भी ठीक नहीं थे उस टाइम पे, नेशनलाइज भी ढंग से नहीं हो पाया था सभी बैंकों का, तो उस दिशा में उन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए थे। इकोनॉमिक सिचुएशन को उन्होंने संभालने के लिए बहुत सारे योगदान अपना है वो सारे अपने कंप्लीट किए। तो यहाँ पे जो मेन बात यही है कि देखो इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि देखो कहीं गवर्नमेंट कहने की अपनी मनमर्जी कर रही है, बट सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी यूनिट देश की जो यूनिटी है इसको उन्होंने कन्वर्ट करने में अपना काफी अच्छा योगदान है वो निभाया था। तो ऑल ओवर इस आर्टिकल में दो तीन ही पॉइंट दिए गए कि भाई उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी और क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा स्टेप वगैरह उठाए गए थे, बाकी कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे देख लिया जो भी दो चार पॉइंट्स थे काम के। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जर्नलिस्ट की हत्या के बारे में, सुजात बुखारी जो कि आपको पता है कश्मीर में एक जर्नलिस्ट थे और उनकी भी रिसेंटली वो हत्या कर दी गई है। आरोप लग रहा है कि भाई जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी हैं जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक्चुअली उनकी हत्या करी। देखो कहा जा रहा है और ये बात सही भी है कि सुजात बुखारी हैं वो एक्चुअली सोशल रिफॉर्म के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए थे उन्होंने, और इवन उन्होंने आप बोल सकते हो कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छे अपने योगदान है वो निभाए, और उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए ताकि शांति वहाँ पे बहाल की जा सके। मतलब उन्होंने कश्मीर को प्रायोरिटी दी और हर बार कश्मीर के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्हें बहुत सी चीज़ों पे फोकस भी किया, बट अलगाववादियों की बातें हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर रही और अलगाववादियों ने उनको मार गिराया। देखो यहाँ पे एक बात की जा रही है जो एक पॉइंट आता है वो आता है मीडिया का। आपको पता है कि मीडिया है वो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डेमोक्रेसी के तीन पिलर कौन कौन से हैं। चौथा पिलर तो आपको बता दें कि मीडिया है, तो जो मीडिया फोर्थ पिलर है इसकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो लोगों को सही ढंग से अवेयर करे और कहीं ना कहीं मतलब अपनी मनमर्जी नहीं करे, जो सच है उसको सामने लेके, ऐसा नहीं है कि लोगों के जो सॉरी पॉलिटिशियन वगैरह हैं उनके बातों में आके इन्फ्लुएंस में आके और जो मनमर्जी वगैरह है वो करने लग जाए। इसके बाद में यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो मीडिया पे जो अटैक हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा था कि गौरी लंकेश थी उनके ऊपर भी अटैक हुआ था लास्ट ईयर, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि मतलब हमारे डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर मीडिया है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप उठाने होंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक तो देखो इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो कई बार क्या होता है काफ़ी अच्छे जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, राइटर होते हैं, एडिटर वगैरह होते हैं, वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तो कई बार जो कुछ ग्रुप वगैरह होते हैं, चाहे रीजनल ग्रुप बोल सकते हो या फिर कम्युनिज्म ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं उनको मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सेंटीमेंट्स वगैरह वो हर्ट होते हैं और या वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं इसलिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन वगैरह लेने चाहिए और ऐसे जो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट वगैरह एडिटर वगैरह उनको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस तरीके से जो हत्या वगैरह हो गई और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन है वो नहीं ले रही है। इसके बाद में बात की जा रही है कि सुजात बुखारी हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन की बात की जा रही है एजुकेशन की, उस पर भी बहुत बड़ा हाथ रोल है वो निभाया था। देखो जम्मू एंड कश्मीर में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे नॉर्मली लड़ाई वगैरह हिंसा वगैरह चलती रहती है, तो ऐसे माहौल में वहाँ पे जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले वहाँ पे स्कूल वगैरह को बंद किया जाता है। अब आपको पता है कि देखो जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, एजुकेशन नहीं टप पाए, अगर वो एजुकेशन है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे टाइम पे, तो उससे क्या होगा, उनका जो आगे फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में चला जाएगा। और इसीलिए आतंकवादी इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि बच्चे वगैरह जो यूथ है वो ना पढ़ पाए ना ही उसके पास स्किल हो, ताकि उनको आराम से लोग मैनिपुलेट कर सकें और उनका माइंड वॉश करके और फिर उनको टेररिज्म की तरफ है वो धकेल सकें। और इसी दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान निभाया, इन्होंने क्या कि लोगों को अवेयर किया और एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा फोकस किया था, और मतलब एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रमोट है वो किया था।
तो ऑल ओवर बात यहाँ पे इनके द्वारा की जा रही है, राइटर के द्वारा, कि देखो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अपना काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन योगदान है वो दिया था आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद के जो खुफिया रास्ते हैं या खुफिया जो आतंकवादी थे उनसे भी निपटने के लिए गवर्नमेंट के काफी सपोर्ट है वो इन्होंने किया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए इनका काफी बड़ा योगदान है वो रहा है। इसके बाद में एक छोटी सी यहाँ पे आता है, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था तो वो भी उनके हेड थे जिसका नाम है अरबे मरकाज कमराज। ये एक्चुअली वहाँ का कल्चर एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसके बारे में यूपी थोड़ा पूछ सकती है, थोड़ा आप ध्यान रखना प्रीलिम्स में। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आपका देखा हो तो आपको पता चल सकता है कि है कहाँ से, क्योंकि थोड़ा नाम है वो उर्दू वगैरह से रिलेटेड है तो आप इजिली कर सकते हो एग्जाम में कि जम्मू एंड कश्मीर का है, तो इसे कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।